हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं एनिस आप सभी का स्वागत करता हूँ टीजून पे। मेरा यूट्यूब चैनल शान को इंस्टीट्यूट के नाम से प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये लोग है, ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि कोई वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप जरूर समझें, ठीक है। और वीडियो को जरूर देखें और समझें कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हम लाए हैं जीके सीरीज, जो कि प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से लाए हैं, उसका सीरीज लाए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टीचिंग पे मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं या इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आज। तो देखिए, सम्मान से संबंधित, प्रमुख सम्मान से संबंधित, जो कि पुरस्कार और सम्मान से संबंधित क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है दोस्तों। प्रमुख सम्मान से संबंधित क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, जो कि साहित्य, साहित्य क्षेत्र वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ज्ञानपीठ जो कि साहित्य क्षेत्र वालों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो कि खेल कूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जो किससे संबंधित है, वह खेल कूद से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सॉरी मैं थोड़ा माइक बंद हो गया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो कि देखिए दूसरा क्या था, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, वह एक खेल कूद से संबंधित, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर है किस क्षेत्र में असाधारण, ठीक है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांतिपूर्वक भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो कि विज्ञान। भटनागर पुरस्कार जो कि शांतिपूर्वक भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है, विज्ञान में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, ग्रेमी, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए पांच नंबर देखते हैं, और पांच नंबर क्या है, नॉर्मन जो कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, कृषि से संबंधित है? किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और छह नंबर देखते हैं। क्या छह नंबर, राष्ट्रीय एकता एवं बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि नरगिस दत्ता पुरस्कार, नरगिस दत्ता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, जो कि राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म जो कि कौन थी, सर्वोत्तम फीचर, ठीक है। और सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रायमन क्या है, रायमन मैगसेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? रायमन मैगसेस पुरस्कार जो किस देश द्वारा दिया जाता है, जो कि क्या होगा, फिलीपींस। इसका राइट आंसर क्या होगा, फिलीपींस, ठीक है दोस्तों। तो एट नंबर देखते हैं क्या है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में या हर साल दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, पत्रकारिता के क्षेत्र में संबंधित है। नौ नंबर ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए 10 नंबर देखते हैं, 40 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम 20 क्वेश्चन आज कराएंगे, 20 कल कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिष्ठा, पर्यावरण के बचाने के लिए, ठीक, तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, धन 11 नंबर देखते हैं, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र
में प्रदान किया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि साहित्य में। सरस्वती सम्मान जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, जो कि स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, स्वीडन। ठीक है, यह स्वीडन द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, जो कि अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की स्मृति पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, जो कि 1965 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, 1965 से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 16 नंबर क्या है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, 1985 में। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया, 1985 ईस्वी में, ये याद रखे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया, जो कि 1965 में। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, जो कि 1901 में। लेकिन एक नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं छह क्षेत्र में, जो कि अर्थशास्त्री में, जब 1928 या 68 की बात दिया जाए, ये कंफर्म नहीं, आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और 70 क्वेश्चन का सीरीज ही आज, क्योंकि चलिए चाहे छोड़िए 20 पढ़ाते हैं, एक और पढ़ाते हैं। ठीक है, 1 मिनट, और यहाँ 20, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ, जो कि 1954 में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ, 1954 में। ठीक है, फिर देखिए 19 नंबर क्या है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि 1930 में। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, जो कि राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी अंग्रेजी के लेखकों को। ठीक है दोस्तों, तो क्या है 20 नंबर का आंसर, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी के लेखकों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन सीरीज, और 20 कल मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए, और आगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है सहारनपुर इंस्टीट्यूट के नाम से, प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।